काम करने से क्या होगा? एक अच्छी सरकार बनेगी, वैसे टोली नोएडा से ऐसे सारे हो पार्टी को चुनते हैं, तो एक अच्छी सरकार बनेगी और अच्छा देश चलेगा। उनकी हेल्थ ऑलरेडी, तो उनके एक्सपेंसेस कम होंगे, तो फिर धीरे धीरे इन चीजों को इम्प्रूव किया जा सकता है। उनको पता है कि अस्पताले हमारे लिए बना, सर उसके लिए तो क्या है, जितने हम एजुकेटेड लोग हैं उनके पास जाके थोड़ा उनको ट्रेनिंग देते रहे, जिससे कि वो गरीब लोगों के उसमें संघर्ष में जाके उन चीजों को मतदान करें। नहीं, मतदान तो बस ऐसे ही बता के कि हाँ आपका अधिकार है, अपने अधिकार का इससे टाइम है कि हमें अपने अधिकार अपने मत डाल के अच्छे पैसे, पहले लोग जो है वहाँ सूखते रहते थे, अब लोगों को फ्री में गैस मिल रही है, बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है, तो ये सारी जागरूकता ये सारी चीज़ें। अच्छा, राजीव पंजी बताइए कि मताधिकार, ये तो सबको पता मताधिकार है, कुछ कर्तव्य भी है, क्या कर्तव्य? कर्तव्य ये है कि मतदान के लिए लोगों को जानना, बंदा है जो शहर में रहता है वो तो मतदान के बारे में जानता है कि भाई मुझे क्या करना है, कि मुझे किस तरह से कदम बढ़ाना है, कैसे करना है, सोच समझ के करता है कि भाई मुझे मेरे लिए हमारे लिए अच्छा क्या है, कैसे क्या है, तो आदमी करता है। जहाँ आता है मत व्यापार का मतलब, तो सबसे मेन हमारे देश में शिक्षा की इक्वलिटी मतलब समानता नहीं है, क्योंकि कई शिक्षा प्रणाली को देखो तो कई जगह पर शिक्षा में मतभेद है, कई गवर्नमेंट स्कूल है, कई सेंट्रल स्कूल है और कई कुछ जैसे स्कूल है। लोग समझते हैं कि भाई जैसे कि एक आम आदमी, जैसे हम एक जनरल आदमी हैं, हम अपने बच्चे को सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। आज हम ये जरूरी नहीं कि हर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा सक्सेस भी होता है, नहीं भी होता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का ये है कि शिक्षा प्रणाली को उन्होंने कोई समानता नहीं दी है। आप देश विदेश में जाके देखिए, वहाँ शिक्षा प्रणाली सब एक समान है, एक लैंग्वेज है, एक है। यहाँ सबसे मेन है कि लैंग्वेज, कि एक आदमी यदि इंग्लिश में लैंग्वेज में डिस्कस करता है तो उसको, चाहे उसकी क्वालिफाइड ना हो, उसको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, वही एक सम्मानित व्यक्ति हो और वो ज़्यादा समझदार हो, और लैंग्वेज थोड़ा किसी ऐसे क्षेत्र में जाके कुछ वैसे वर्ड बोले, और उसकी कोई मतलब मेन है कि इक्वली समानता, एक शिक्षा प्रणाली यदि समान हो, और मेन होता है शिक्षा, शिक्षा यदि सबके पास ठीक है और समानता है और एक इक्वलिटी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मतदान सोपर तरीके से हो सकता है, एक समानता से हो सकता है और देश आगे बढ़ सकता है। मेरा मेन यही है कि मतदान आदमी तभी सही कर सकता है जब उसके पास शिक्षा की अच्छी तरह से शिक्षा की व्यवस्था ठीक ठाक हो। बस से बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि शिक्षा का असमानता होना भी मतदान और मताधिकार के बीच का, मत कर्तव्य के बीच का दूरी बनाता है। अच्छा, दूसरा मत व्यापार के बारे में बताता हूँ। मत व्यापार जैसे कि गांव क्षेत्र में देख लो, बहुत से गांव क्षेत्र, अलीगढ़ क्षेत्र हो, कोई भी गांव देख लो, वहां पर लोग अशिक्षित है, लेकिन वहां कोई मतलब नहीं है किसी को कि भी हमने वोट देना है, ठीक है, उनका सिर्फ एक मेन पर्पज होता है कि हमने वोट देना है। वहां से कुछ कार्यकर्ता आते हैं, उनको हर घरों में जाके एक जो मेन वहां का कार्यकर्ता होता है उनको बोला जाता है कि भाई हम आपको ये एक्सप्रेस करेंगे, ये एक्सप्रेस करेंगे, उसके हिसाब से आपने ये करना है, आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे। तो उन्होंने शिक्षा को, शिक्षा के अभाव की वजह से कोई मतलब ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ क्या देखा, मत व्यापार, उन्होंने देखा कि हमारे पास एर्निंग हो रही है, उन्होंने अपने एर्निंग के बिहार पर वहाँ 50 बंदे आए, 100 बंदे आए, 200 आए, उन्होंने उसके हिसाब से उनको वो करा, उन्होंने उसको एक्सपेंस करा और उन्होंने वहाँ वो करा। तो ये है मत व्यापार और मत मेन सबका सोल्यूशन ये है कि यदि हमारे गांव में, हर क्षेत्र में, हर देश में यदि शिक्षा का समानता रहेगा, तो हमें ये कह सकता हूँ कि हमारे जो मिनिस्टर लोग होंगे वो भी एक एजुकेटेड और समझदार लोग होंगे। बहुत बड़ी बात है उन्होंने कह दिया, बहुत बड़ी बात है। फिर मैं दूसरी एक सवाल जो अंत में कह रहा हूँ कि जो अनएजुकेटेड है वो 100% वोटिंग करते हैं, जो एजुकेटेड हैं वो टेलीविजन पे देखते रह जाते हैं। तो अगर शिक्षित लोग अधिक से अधिक वोटिंग नहीं करेंगे तो फिर हम उससे दोष नहीं दे सकते कि वो अनलिटरेट हैं, अनपढ़ लोग हैं, वोटिंग लड़ जाए, ठीक है। लास्ट में एक सवाल, आप अपने उन कर्तव्य को कैसे पूरा करेंगे, जो लिटरेट वोटिंग करना है इसलिए हम लोगों का जो स्टार्टिंग जो एजुकेशन होती है, हमें स्टार्टिंग से ही बच्चों को उनमें डालना चाहिए कि वोट हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बेसिकली हमारी एजुकेशन, जैसे अभी
हमने बोला था हरीश को बताऊं कि अधिकार हम लोगों को बहुत पता है। हाँ नहीं पता है, हमें बताया नहीं जाता है, हमें सिर्फ खाली वोट खरीदना, मतलब क्या है उनके एजेंडा लगे रहते हैं, जो भी नेता है उनके एजेंडे हैं, पता है ना तो उनका एरिया बटा हुआ, ये क्या जाति समाज भाषा उसमें बढ़ गया हमारा, पता है ना कि वोट डालने में पैसा मिलेगा, अधिकार में पता है कि हम वोट डाल सकते हैं, बिल्कुल। हमारा कर्तव्य क्या है? कर्तव्य हमारा तो कर्तव्य में कह रहा हूँ, शुरू से हमारा कर्तव्य होना चाहिए, जो हमारे बेसिक एजुकेशन हमें देते हैं उन वहीं से कर्तव्य शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उन पर डाले तो वोट सही जगह करे, अल्टीमेटली ये है कि वोट हमें जिसको बनाना चाहिए वो बनना चाहिए, उनको उनके लिए शिक्षा दे रही है, उनको कौन समझाए कि सही कौन है, एजुकेशन मेन एजुकेशन में आ रही है बात है, एजुकेशन हमारे प्रॉपर नहीं, एजुकेटेड नहीं है, हाँ एजुकेटेड नहीं, उनको एजुकेट करने के लिए हमें इसी तरह से नुक्कड़ नाटक के थ्रू या किसी और के थ्रू, मतलब हमें उनको एजुकेट करना चाहिए, अभियान चलाना चाहिए, चलाना चाहिए लेकिन चलाया नहीं, संस्थाएं हैं, हम लोग भी यहाँ योग प्रेमी हैं, योग से जुड़े हैं, हमारे साथ भी 70 लोग काम कर रहे हैं, हम ही अगर चाहें इसी तरह से बहुत चीजें समाज से ही बने हुए हैं, उनको चलाएं तो काफी कुछ चेंज हो सकता है हमारे, बहुत बड़ी बातें हैं शिक्षक और शिक्षा प्राप्त शिक्षा के मिलने वाले गुरु और छात्र सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आप आपके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए।